सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार कोशिश की जा रही है और महिलाओं को अधिक से अधिक अधिकार देने के प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर महिलाओं को मिलने वाले अधिकारों का कौन उपयोग कर रहा है, यह काफी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए जन प्रतिनिधियों के पद आरक्षित तो कर दिए गए जाते हैं, लेकिन महिलाओं के तमाम अधिकारों का उपयोग पुरुष वर्ग के द्वारा ही किया जाता है। ऐसे में महिलाओं को आगे लाने और समाज में उनकी अलग पहचान बनाने की तमाम कोशिशों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। ऐसा ही एक मामला महासमुंद जिले में ग्राम पंचायत रुड़ा में सामने आया है, जहां शासन के नियम अनुसार महिला वर्ग के लिए पंचायत को आरक्षित किया गया है। यहां महिला सरपंच भी चुने गए, लेकिन 5 वर्षों तक महिला सरपंच के द्वारा अपने अधिकारों का उपयोग ना किया जाना, जबकि महिला के स्थान पर उनके पति ही सारा कार्य करते रहे। ग्राम पंचायत के विकास की बात करें तो विकास का कहीं पर कोई विशेष योगदान 5 साल में हुआ हो ऐसा नजर नहीं आता। हम आपको बता दें कि ग्राम पंचायत में महिला सचिव की भी स्थापना की गई है और अधिकांश पंच भी महिलाएं हैं, लेकिन पंचायत की बैठकों से लेकर तमाम कार्यों में महिलाओं के स्थान पर पुरुषों का ही बोलबाला रहता है। ग्राम पंचायत के विभिन्न विकास कार्यों और 5 साल में कराए गए कार्यों की जानकारी जब महिला सरपंच से पूछी गई, तब महिला सरपंच बगले झांकने लगी और कुछ भी बात नहीं बता पाई। ऐसे हालातों में 5 वर्ष तक सरपंच रहने के बाद भी पंचायत में हुए कार्यों की जिसे जानकारी नहीं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरपंच के पद पर रहने वाली महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में कितनी जानकारी दी गई और उनके द्वारा कैसे कार्य किया गया। हालांकि यह काफी बड़ा सवाल अब सामने आ गया है। गौरतलब है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर तमाम तरह के कार्य चलते हैं, लेकिन ऐसे हालातों में महिलाओं को अधिकार मिलने के बाद भी और निर्वाचित होने के बाद भी उनके अधिकारों का उपयोग उनके द्वारा नहीं किए जाने से बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ग्राम पंचायत में विकास की बात करें तो लोगों का कहना है कि उन्हें कई महीनों से पेंशन भी नहीं मिली है। हालांकि सरपंच मामले को लेकर कुछ भी बता पाने में सक्षम नजर नहीं आई। बहरहाल पंचायतों में जहां महिलाओं को अधिकार देने के प्रयास हो रहे हैं, वहीं महिलाओं को इस तरह से पीछे रहने से महिला सशक्तिकरण को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ से संवाददाता हितेश मानिकपुरी की रिपोर्ट। मैडम, आपका नाम और क्या पद क्या है आपका? श्रीमती संतोषिनी पटेल, मैं ग्राम पंचायत रुड़ा की सरपंच हूं। पिछले 5 साल से आप यहां पर सरपंच हैं, आपके पंचायत में कौन कौन से विकास काम आपके कार्यकाल में कराए गए हैं, जिसको आप बता सकते हैं, उपलब्धि मान सकते हैं? शौचालय, आवास, ऐसा कौन सा काम है जो आपके कार्यकाल में आप पूरा कराना चाहती थी और नहीं करा पाई? आप लोग सोचते थे कि हम इस काम को सरपंच बनने के बाद कराएंगे और वो काम आपसे हो नहीं पाया, ऐसा कोई काम है? बड़े पानी टंकी वो काम आपके द्वारा नहीं हो पाया है, क्या कारण है नहीं हो पाने के पीछे? जनसंख्या के आधार पर। शौचालय योजना में कितने शौचालय आपके पंचायत क्षेत्र में बने? का नाम? बलराम। कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं, ये रुड़ा में। हाँ। आपको पेंशन मिलता है? मिलता है। कितना महीना हो गया नहीं मिला? आए महीना 6 महीना हो गया। 6वां महीना है नहीं मिला? हाँ, है। हाँ, नहीं। ऐसे कितने लोग होंगे जिनको नहीं मिला है? बहुत जन को नहीं मिला है, पंचायत से नहीं मिल पा रहे। हाँ। तो आप लोग बोले नहीं सरपंच को, सचिव को? सचिव को, सरपंच को बोलने से ठीक है, वो वहाँ बैंक में जमा होगा तब मिलेगा, अभी जमा। अरे तुम लोग तो करोगा? अभी तक नहीं किए हैं। नहीं किए हैं? और सचिव और सरपंच उन लोग तो जमा करेंगे, कौन करेगा? पूछना, पूछना मेरे पास लिस्ट है।
JBD Banquets लाए हैं, Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden, world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।